विश्व कप के हीरो मोहम्मद शमी को लेकर योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान कर दिया। दरअसल भारत के विश्व कप के फाइनल में पहुंचने के बाद हर क्रिकेट प्रेमी टूर्नामेंट के हीरो बन चुके मोहम्मद शमी का मुरीद हो चुका है। विश्व कप में सबसे ज़्यादा विकेट ले चुके मोहम्मद शमी से यह उम्मीद जताई जा रही है कि वह फिनाले में भी अपना जलवा दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद शमी के इस शानदार प्रदर्शन के बाद यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा कर दी है। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के 7 विकेट चटकाकर हीरो बने शमी के सम्मान में योगी सरकार उनके गांव सहसपुर अली नगर में स्टेडियम बनाएगी, जो कि एक बड़ा ऐलान के तौर पर देखा जा रहा है। मोहम्मद शमी के गांव में अब योगी आदित्यनाथ यूपी की सरकार जो है वो स्टेडियम बनाएगी, जो कि एक बड़ा तोहफा जो है योगी सरकार ने मोहम्मद शमी और उनके चाहने वाले उनके गांव के लोगों को, उनके ज़िले के लोगों को दिया है। वहां के डीएम राजेश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए टीम गठित भी कर दी है। बता दें कि मोहम्मद शमी अमरोह ज़िले के रहने वाले हैं और अमरोह के डीएम ने ये बड़ी जानकारी दी है और कहा है कि यूपी सरकार मोहम्मद शमी के गांव में स्टेडियम बनाएगी और यह स्टेडियम उनके प्रदर्शन को देखते हुए एक बड़ा तोहफा के तौर पर दिया गया है। शासन की ओर से शमी के गांव सहसपुर अली नगर में स्टेडियम बनाने का निर्देश दिया गया है, जिसके बाद डीएम राजेश त्यागी के निर्देश पर मुख्य विकास अधिकारी अमरोहा ने अपनी टीम के साथ मिलकर शुक्रवार को शमी के गाँव पहुँचकर स्टेडियम के लिए ज़मीन की तलाशी भी शुरू कर दी है। डीएम राजेश त्यागी ने बताया कि मोहम्मद शमी के गांव में बनने वाले स्टेडियम के लिए 1 हेक्टेयर ज़मीन की ज़रूरत है। ज़मीन देखने के लिए मुख्य विकास अधिकारी अपनी टीम के साथ गए थे। उन्होंने स्टेडियम का प्रस्ताव शासन को बनाकर भेज दिया है। तो इस बार वर्ल्ड कप 2023 में शुरू में 4 मैचों में मोहम्मद शमी को दूर रखा गया था। हार्दिक को चोटिल होने के बाद शमी को टीम में शामिल किया गया था। शमी ने अपना उम्दा प्रदर्शन से वर्ल्ड कप में इतिहास रच दिया है। उन्होंने 6 मैच खेले और 5 एक-एकनॉमी से 23 विकेट लिए। शमी ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार गेंदबाजी करते हुए 57 रन देकर 7 विकेट के लिए स्टुअर्ट विन्नी का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इसी के साथ ही शमी किसी विश्व कप के सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं। उन्होंने जहीर खान के रिकॉर्ड को भी तोड़ा है। जहीर ने साल 2011 के विश्व कप में 21 विकेट लिए थे, जबकि शमी ने 7 विकेट जो है वो लिए हैं, जिसके बाद यूपी सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी और कहा कि मोहम्मद शमी के गांव में अब स्टेडियम बनेगा। ये स्टेडियम उनको एक बड़ा तोहफा के तौर पर दिया गया है। न सिर्फ उनके गाँव बल्कि उनके ज़िले और पूरे देश के लोग मोहम्मद शमी जैसे खिलाड़ी पर गर्व कर रहे हैं, क्योंकि मोहम्मद शमी ने जलवा दिखाया है जिसकी तारीफ न सिर्फ बिहार, यूपी, झारखंड में बल्कि पूरे देश भर में और देश के बाहर जो इंडियन रहते हैं, जो क्रिकेट प्रेमी है, वो भी करते नहीं थक रहे हैं। आज की तारीख में जो क्रिकेट प्रेमी है उनके बीच मोहम्मद शमी हीरो बन गए हैं और उसको लेकर योगी आदित्यनाथ यूपी की सरकार, मुख्यमंत्री ने बड़ा घोषणा किया है। जिले के डीएम को निर्देश दिया गया है और न सिर्फ निर्देश दिया गया बल्कि काम भी शुरू कर दिए गए हैं। टीम गठन कर दिया गया है स्टेडियम बनाने को लेकर। मोहम्मद शमी के गांव में ज़मीन जो है वो देखा जा रहा है।